दोस्तों, एनयूएन के चक्रियों में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव और उसके लोकसभा चुनाव पर होने वाले परिणाम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो गए, परंतु कोर्ट ने उसके रिजल्ट्स पर पाबंदी लगा दी। ये मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा और इसको इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, आज हम कुछ आंकड़ों की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। जिला परिषद की 928 सीटें थी, पंचायत समिति की 9730 सीटें थी और ग्राम पंचायत में 63229 सीटों पर चुनाव हुआ। तो ये जो चुनाव हुआ है, इसके परिणामों को आप इन आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करें। इस बार टीएमसी को 51.5% वोट मिला। इसके मुकाबले बीजेपी को केवल 22.9% वोट मिला। अब आप कांग्रेस की तरफ आए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का वोट शेयर केवल 6.42 था, जबकि लेफ्ट पार्टीज का शेयर 13.2 था। यानी 13.2% वोट पाने के बावजूद लेफ्ट पार्टीज ने जिला परिषद में केवल 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 6.42 सीट पाने के बावजूद 12 सीटों पर जीत गई। इससे पता चलता है कि सीटों के आधार पर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी भी पार्टी का जनाधार क्या है। ज्यादा जनाधार वाली पार्टी कभी कभार कम सीटों पर कामयाब होती है और कम जनाधार वाली पार्टी जो है वो ज्यादा सीटों पर जीत जाती है। इसी प्रकार आप देखें कि बीजेपी जो है वो केवल 26 सीटें जीत सकी, जबकि वो जो है उसका मत प्रतिशत इन दोनों से कहीं ज्यादा, यानी 22.9% है। अब जरा हम इसकी तुलना 2018 के रिजल्ट से करते हैं। यानी इसी तरह के पंचायत चुनाव इससे पहले 2018 में हुए थे और अब 2023 में हुए हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो टीएमसी का वोट शेयर 2018 में 72% था और अब जो है 5 साल बाद ये घटकर 51.5% पर आ गया है। यानी इससे पता चलता है कि ग्रामीण भाग में टीएमसी के जनाधार में एक बहुत बड़ी कमी आई है। इसी तरह से हम बीजेपी का अगर 2018 से तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो बीजेपी को 2018 में सिर्फ 13% वोट मिले थे, परंतु अभी 2023 में उसका मत प्रतिशत जो है वो 22.9% है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 10% की वृद्धि हुई है। बीजेपी ने 10% 2018 के मुकाबले ज्यादा वोट प्राप्त किए, जबकि टीएमसी ने उसके मुकाबले 2018 के मुकाबले 20% वोट कम प्राप्त किए। तो ये तो तुलना हुई पिछले जो है वो पंचायत चुनाव से। इसी तरह से कांग्रेस का अगर हम ये देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 2018 में 5% था और अब बढ़ के 6.42% हो गया। यानी इसमें वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये कि 1.5% से कम हुई है। लेफ्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट जो है वो 2018 में केवल 6% पर पहुंच गया था, लेकिन अब उसका मत प्रतिशत बढ़कर 13.2% हो गया है। यानी उसने 7.2% की वृद्धि की है। ये एक सिग्निफिकेंट जो है वो इंक्रीज है जो कि लेफ्ट के यहाँ आया है। अब ये तो हमने 2018 के चुनाव, जो पंचायत चुनाव थे, उससे इन रिजल्ट्स की तुलना की। लेकिन 2018 के बाद 2019 में चुनाव हुए, वो लोकसभा के चुनाव थे। तो लोकसभा में आप ये देखें कि जो मत प्रतिशत है वो टीएमसी का 43.3% था और वो 43.3%
अब बढ़कर 51.5% हो गया। यानी बीजेपी ने अपने वोट में तकरीबन 8% की वृद्धि कर ली 2019 लोकसभा के मुकाबले। अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 40.2% वोट प्राप्त कर लिए थे और वो जो 40.2% वोट था वो अब घटकर 22.9 पे आ गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव के मुकाबले में बहुत कम पर पहुंच गई है। उसने बहुत बड़ा इन दिनों में, इन 4 सालों में बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये जो 2019 के इलेक्शन थे ये बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण थे। इससे पहले 2014 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में केवल 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि 2019 में उसने उसमें 16 की बढ़ोतरी कर ली, यानी वो 18 पे पहुंच गई। और 2019 से के बाद से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुत सारी उम्मीदें लग गई थी और उसको ऐसा लगने लगा था कि हम जो है वो 2 साल बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा यानी 2024 का, उसमें भी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन बीच में होने वाले पंचायत चुनाव ने बता दिया कि मामला जो है वो कुछ और ही हो रहा है। अब आप देखिए कांग्रेस का मामला, तो कांग्रेस को जो है वो 5.5% वोट मिले थे और अब वो जो है वो 6.42% हो गए हैं, यानी उसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई है 1% के आसपास। लेफ्ट को देखें तो वो जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में 7.5% पर था और अब वो 13.2 पे पहुंच गया है, तो इसने जो है यहाँ भी एक बड़ी छलांग लगाई है। जहाँ तक सीटों का सवाल है, लेफ्ट को 7.5 के बावजूद कोई सीट नहीं मिली थी 2019 में और कांग्रेस को जो है वो 2 सीटें मिल गई थी। अब आप थोड़ा सा लोकसभा और विधानसभा का जो है वो कंपैरिजन करके देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीएमसी ने 22 सीटें जीती थी और उसका जो मत प्रतिशत है वो 43.3 पर था। अब जब 2021 में विधानसभा के चुनाव आए तो टीएमसी का मत प्रतिशत 43.3 से बढ़कर 47.93 पर पहुंच गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि 4.6% के आसपास जो है उसमें वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम बीजेपी का मामला देखें तो बीजेपी जो है 2019 से लेके 2021 तक के 2 सालों में 40.2 से घटकर 38.14 पर आ गई थी। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन 2021 में उन्होंने ये मामला जो है वो स्टेट की और राज्य की जो है वो लीडरशिप पे छोड़ दिया था, ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को याद है कि 2021 में मोदी जी जो है वो हर हफ्ते आखिरी दिनों में जो है वो बंगाल में जाने लगे थे और गृह मंत्री ने भी वहाँ डेरा डाल दिया था और वो सब कुछ जो कि वो लोकसभा चुनाव में करते हैं वो ज़्यादा फोकस अंदाज में मोदी जी ने और शाह जी ने किया। इसके बावजूद उनका मत प्रतिशत जो है वो 40 से घर के 38 पे आया, यानी 2% की कमी आई। इसी तरह से लेफ्ट भी जो है वो 7.5 से 4.72 पे गया, यानी वो भी कम हो गया। और कांग्रेस भी जो है वो आधे के आसपास हो गई, 5.5 से 2.94 तक। अब ये तो हम देख रहे हैं कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच में होने वाला चेंज। लेकिन अगर हम 2021 से 2023 में जाते हैं तो आप इसी चार्ट में देखेंगे कि जो टीएमसी 2021 में 47.93 पे थी वो अब 51.5 पे पहुंच गई है, यानी उसने जो है वो तकरीबन 4 या 3.5% वोट जो है वो अपना बढ़ाया है। अब बीजेपी का जहां तक देखें तो बीजेपी जो 40 से 38 पे आई थी, यानी उन 2 सालों में केवल 2% जो है वो घटी थी,
उसके बाद वाले 2 सालों में वो 38 से घट के 22 पे आ गई है, या 23 समझ लीजिए। तो ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, इससे पता चलता है कि वो पश्चिम बंगाल की हद तक बीजेपी के लिए जो है वो बहुत बड़े सेटबैक के साल हैं। और सीपीएम के लिए अगर आप देखें तो सीपीएम जो कि बहुत नीचे पहुंच गई थी विधानसभा चुनाव में, यानी 4.72 पे पहुंच गई थी, उसने अपनी पोजीशन मजबूत की है। और इन पंचायत चुनावों में उसने 13.2 पे पहुंच के बता दिया कि उसका वोट जो है जो चला गया था बीजेपी की तरफ वो वापस आ रहा है, और उसने जो है वो सिग्निफिकेंट यानी आप समझ लीजिए कि 7.5% जो है अपने वोट में वृद्धि की। कांग्रेस ने भी अपने कदम थोड़े से जमाए, वो 3.94 पे पहुंच गई थी, तो अब जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक होके 4.42 पर आ गई है। तो ये जो है वो 2019 से 2021 और 2021 से 2023 तक इन चारों पार्टियों का परफॉर्मेंस है। अब इसके अलावा एक और भी फैक्टर है जो कि वहाँ काम कर रहा है, जिसकी वजह से टीएमसी और दूसरी पार्टियाँ भी जो है वो परेशान है। वहाँ पर जो है वो 2021 में, यानी केवल 2 साल पहले, या आप ये कह लें कि 2.5 साल पहले, जो है एक नई पार्टी बनी जिसका नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट था। इसके अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी हैं और उनकी उम्र जो है, उनकी आयु केवल 28 साल है, और इस 28 साल के नौजवान ने एक नई पार्टी बनाकर 38 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, और उन 38 में से एक सीट पर उसने कामयाबी हासिल कर ली। और खुद नौशाद सिद्दीकी जो है वो अपने पहले इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन जीत के असेंबली के मेंबर बन गए, यानी विधानसभा के मेंबर बन गए। अब आप देखें कि मैंने आपको सब लोगों के वोट तो बता दिए, टीएमसी का क्या हाल है, बीजेपी का क्या हाल है, कांग्रेस और लेफ्ट का क्या हाल है, लेकिन एक और फैक्टर है अदर्स, यानी ऐसे लोग जिन्होंने कि इन तीनों में से किसी को वोट नहीं दिया, इन चारों में से। तो उसमें हम देखते हैं कि 2019 में ये जो अदर्स वाला मामला था, जो इन चारों में से किसी को वोट नहीं दे रहे थे, उनका प्रतिशत बहुत कम हो गया था, यानी केवल 3.5% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जो है वो इनमें से किसी को वोट नहीं दिया, यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, पक्ष हैं, उनको वोट दिया। लेकिन 2021 के आते आते ये प्रतिशत बढ़ गया, ये 3.5 से बढ़ के 6.2 पे पहुंच गया। और आप ये देखें कि अभी जो 2023 के इलेक्शन हुए हैं, इसके अंदर ये जो है वो तकरीबन 7.8 बल्कि 8 के आसपास पहुंच गया है। तो ये जो अदर्स की तरफ लोग जा रहे हैं, ये जो छोटी पार्टियों की तरफ, ISS जैसी पार्टियों की तरफ लोग जा रहे हैं, इससे सारी पार्टियां TMC और कांग्रेस और CPM यानी लेफ्ट फ्रंट, ये सब के सब परेशान हैं। अब आप ज़रा ये चुनाव में, ये पंचायत चुनाव में ISF का परफॉर्मेंस देखें, तो जो मुस्लिम बाहुल भांगड़ एरिया है वहाँ पर उसने 43 सीटें जीती हैं। साउथ 24 परगना ज़िले में जो भांगड़ 2 ब्लॉक की है, वहाँ पर 10 ग्राम पंचायतों में 2018 में से 86 सीटें तो TMC निर्विरोध जीत गई, यानी 2018 सीटें हैं पंचायत की, तो 86 में इलेक्शन ही नहीं हुआ, इसलिए कि TMC वाले निर्विरोध जीत गए। अब जो 132 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें TMC को केवल 63 पर कामयाबी मिली, यानी आप समझ लीजिए कि 50% के आसपास वो जीत सकी और बाकी 50% सीटें वो जो है वो हार गई। तो डेफिनेटली जो ये बात कही जाती थी कि सारे मुसलमान, यानी 27% मुसलमान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और वो यकमुश जो है वो TMC को वोट देते हैं, लेकिन अब वो सिचुएशन बदल रही है, और इसीलिए ममता बनर्जी थोड़ी चिंता में है, और इसीलिए वो ये सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि अब अकेले इलेक्शन लड़ने से काम नहीं चलेगा, भलाई इसमें है कि लेफ्ट फ्रंट को अपने साथ लिया जाए,
कांग्रेस को अपने साथ लिया जाए और इंडिया नाम का जो नया अलायंस बना है उसमें शामिल होकर अगला पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा जाए। इसलिए कि अगर वह ऐसा नहीं करती और इसी तरह की ढलान चलती रही तो उनके लिए अपना वर्चस्व बचाना, पहले उनकी 35 सीटें थी 2014 में, वो 2019 में घट के 22 पे आ गई, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उनको ये 22 सीटें भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है इन दोनों के साथ मिल के लिए लड़ा जाए। इनके पास तकरीबन 20% वोट है जो पंचायत चुनाव में, यानी ग्रामीण भाग के जो इस पंचायत चुनाव में सामने आए हैं, तो ये 20% वोट अगर TMC के साथ आ जाए जो उसका अपना 50% वोट है, तो ग्रामीण भाग में जिस अलायंस के पास 70% वोट हो उसको हराना जो है वो किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा, और BJP के ऊपर जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बुलडोज़र चल जाएगा। और उसकी जो 18 सीटें पश्चिम बंगाल से पिछली बार आई थी वहाँ पर उसका 1-2 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये संदेश है जो कि पश्चिम बंगाल से आ रहा है। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ चक्रव्यूह में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।